गोंद के जेजेपी के नाराज विधायक रामकुमार गौतम ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि किसानों की समस्याओं का निपटारा जल्द करना चाहिए, अन्यथा देश में हालत और ज्यादा बिगड़ सकते हैं। वहीं विधायक रामकुमार गौतम ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधते हुए कहा कि जेजेपी ने अपनी हरियाणा, यूपी, राजस्थान में पार्टी की शाखाएं स्थापित की हैं। ये पार्टी तो उनके घर की पार्टी है, लोगों की पार्टी नहीं है। आपको बता दें कि विधायक ने यह बात हरियाणा के हिसार में मीडिया से रूबरू होते हुए कही है। उन्होंने जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले उपचुनाव में जेजेपी योगेश्वर दत्त को 1000 वोट तक नहीं दिला पाई, जिसके कारण पहलवान योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने दुष्यंत पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर दुष्यंत हरियाणा की राजनीति में अपना दम रखते हैं तो वह पद से अपना इस्तीफा देकर दोबारा उचाना से चुनाव लड़कर दिखाएं। उचाना की जनता उन्हें सबक सिखाने का काम करेगी। विधायक ने कहा कि देश के किसान को कई तरीके से खेती पर मार पड़ती है। खेत में पानी ना मिलना, ओले पड़ना, ज्यादा बरसात होना, सूखा पड़ना और मंडियों में किसानों को फसलों व सब्जियों के पूरे भाव ना मिलना किसान की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि आज देश की वायु, नौ, जल, थल सेनाओं में किसान के बेटे रक्षा कर रहे हैं। सभी सैनिक ज्यादातर गांव की पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को आज के दिन फसलों के पर्याप्त दाम नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में कम दामों में फसलों को बेचकर किसान गुजारा कर रहे हैं। इसका मुझे पता ही नहीं, इस बात का मैं क्या बताऊं। अब तो जजप्पा के कौन ठेकेदार हैं, कौन उसके मालिक हैं, उनसे पूछो। जजप्पा के जो दुष्यंत से पूछो, उसके बापू से पूछो, उसकी मम्मी से पूछो, उसके भाई से पूछो। जब परिवार की पार्टी है, इसे फैमिली पार्टी, एक परिवार की पार्टी और के वो पार्टी थोड़ी है। इसके तो कहीं शाखा बना दो, बोला शाखा बना दीजिए, बोला राजस्थान में शाखा बना दीजिए, यूपी में शाखा, तू ऐसे कर चांद पर ही बनाया शाखा, शाखा में तो डक्का भी नहीं, हरियाणा में कुछ नहीं, तो वहाँ क्या होगा? अगर जजप्पा के पल्ले कुछ होता तो योगेश्वर इतना कदावर उम्मीदवार, छोटा मोटा उम्मीदवार था योगेश्वर, देश का गौरव योगेश्वर, उसके 1000 पर्ची नहीं दिला पाए, 500 पर्ची नहीं दिला पाए। ये थोड़ी मोटी दिलाई है इसने, ये इनका बांगड़ ने अपने गांव में जो थोड़ा मोटा इसका रसूख था। इनका कहने से इनका जो उम्मीदवार था पिछली बार भूपेंद्र मलिक, उसकी बूथ पर आ रहा है योगेश्वर। इनका आधार तो नील है, इनका तो कहीं कोई है ही नहीं। हाँ ये है, खट्टर साहब मुख्यमंत्री बन रहे तभी मुझसे कान कटा हुआ है, अच्छे महक में खूब दीजिए मौज कर रहे हैं अपना, कौन सा आधार है इनका? वो तो समय था, बीत गया जब जो समय था। आज वो आज इस्तीफा दे के दोबारा लड़के देख लो, वहां से पता लग जाएगा कितना का आधार बच रहा है। हाँ पता कर लेगा, तो समय था कोई बीत गया। जो एजिटेशन चल रहा है किसान का, मेरा कहना ये है इसमें ऐसे किसान के अलावा ऐसे अनेक तत्व इसमें शामिल हो गए जो किसान के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे। अनेक ऐसी ताकतें हैं, विघटनकारी ताकतें, जो इस देश में 370 धारा भी दोबारा लागू करना चाहते हैं, जो मोदी जी ने तोड़ी है, जो मंदिर का निर्माण भी के भी रुकावट में थे अयोध्या में, और भी अनेक ऐसे लोग हैं इसमें जो अब इस किसान आंदोलन में जुड़ गए हैं। इस वक्त तो मेरा तो मोदी जी से कहना यही है कि इस वक्त ये तीनों कानून वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि कोई भी ऐसा हादसा हो गया, कोई दुर्घटना घट गई जिससे देश का माहौल बिगड़ सकता है, तो इसलिए अब मोदी जी को विलंब नहीं करना चाहिए, तीनों कानून वापस लेने चाहिए और दोबारा इसी समय जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हैं किसान के उनको बिठा के और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे किसान का उत्पीड़न ना हो।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.